फिल्म इंडस्ट्री में कम्प्लीटली आउटसाइडर होने के बावजूद अपने टैलेंट के बलबूते पे दंगल गर्ल सानिया मल्होत्रा ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और आज जो है सानिया हमारे साथ खुद हैं और कई बातें जो है उनसे जानेंगे, कई तरह की फिल्म्स भी वो कर रही हैं। सो वेलकम टू 24। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले तो सानिया आपसे जानना चाहेंगे, एक जर्नी रही आपकी स्ट्रगल वाली, दिल्ली से मुंबई, उसके बाद ऑडिशंस पे ऑडिशंस, और फाइनली यू हैव रीच समवेयर। सो अब थोड़ा रिलीफ है, मतलब या अभी कोई बेचैनी होती है कि और ज्यादा कुछ? बहुत यार, मुझे लगता है बेचैनी ऐसी चीज है जो कभी कम नहीं होने वाली है। मैं बस एक चीज मैंने सीख लिया लाइफ में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज इवन इफ यू डोंट हैव मनी, इवन इफ यू हैव मनी, हैप्पीनेस इज समथिंग जो एक कॉन्स्टेंट रहना चाहिए लाइफ में। तो ये मैंने दंगल के बाद भी एक अपना अच्छा लेसन, आई थिंक बहुत ही सून इन माय करियर, ये ले लिया। इवन आई हैव वर्क नहीं है, है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं खुश हूँ इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। साधु लग रही हूँ मैं बातें करते हुए, थैंक यू बच्चों। बट आई रिमेम्बर एवरीथिंग इज वेरी इजी ना पोस्ट दंगल, इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम। आई थिंक मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे दंगल जैसी फिल्म मिली टू स्टार्ट माई करियर विद। बीइंग एन आउटसाइडर, मतलब आउटसाइडर बोलना चाहो या समबडी हु इज नॉट एट ऑल फ्रॉम द इंडस्ट्री, व्हेन आई केम टू बॉम्बे आई केम हियर फॉर अ डांस रियलिटी शो। तो तब तो मुझे ये था कि चलो डांस के थ्रू आई विल गो इनटू एक्टिंग, बट आई डिडंट गेट थ्रू। मतलब मैं टॉप 100 में थी, उसके बाद मैं आगे नहीं पहुँच पाई। बट जो चीज़ें नहीं होती लाइफ में वो कुछ बेहतर चीज यानी तुम्हारे लिए अच्छा ही होता है, इज व्हाट आई फील। और वो मेरे को आई थिंक उसी दिन से लगने लगा। अच्छा, दंगल जब आपको ऑफर हुई थी और आपको पता था कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट से आप जुड़ने जा रही हैं, तो तभी आपको लगा था कि जिंदगी पूरी तरीके से जो है बदलने वाली है, आप स्टार बनने वाली हैं? मतलब दंगल जब मिली थी फॉर द गुड, आई थिंक जब तक हम सेट पे पहुंच नहीं गए और जब तक हमने शूट स्टार्ट नहीं किया, आई थिंक हम में से किसी को भी ये नहीं था ये दिमाग में कि हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। मतलब दंगल रिलीज हुई एंड आई वॉज रियली नर्वस, आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी रातों की नींद उड़ी हुई थी। और सर बोलते भी थे, आमिर सर बोलते थे कि वो तो सोते ही नहीं है अपने रिलीज से पहले, और वो बोलते भी थे कि मैं सो नहीं पाता हूँ बिल्कुल भी। फातिमा उनके साथ दूसरी फिल्म कर रही हैं, तो क्या आप भी कभी मतलब उनके साथ फिर से नजर आएंगी या ऐसा कुछ सोचा है? होपफुली, लाइक हु डजंट वांट टू वर्क विद एन एक्टर लाइक आमिर खान है। मतलब अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी, विदाउट इवन अ सिंगल थॉट इन माय माइंड आई विल डू इट, बिकॉज वर्किंग विद हिम एज आई सेड वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और वो जैसी फिल्में बनाते हैं वो कोई भी एक्टर उसका पार्ट बनना चाहेगा। तो इफ आई गेट अ चांस इन फ्यूचर टू वर्क विद हिम, सो आई होपफुली जल्दी मिल जाए। इस बीच ये भी खबर आ रही थी कि मोहित सूरी के साथ आप फिल्म करने वाली हैं, आदित्य रॉय कपूर के अपोजिट में लीड करने वाली हैं, ये खबर कितनी सच है आप ही बता सकती हैं? यार मुझे पता है, अभी पता चला है या आपसे कि मैं करने वाली हूँ, बट आदित्य रॉय कपूर इज एन अमेजिंग एक्टर एंड मोहित सूरी इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, वी ऑल नो। बट अगर मुझे उनके साथ मौका मिलेगा काम करने का तो मैं जरूर करूंगी, एंड आई वुड बी वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी टू वर्क विद हिम। तो आपने कहा कि आपको हमसे ही पता चला, मतलब अभी तक उसके लिए आपको अप्रोच नहीं किया गया या फिर ये खबरें बस आ रही हैं? मतलब पता नहीं, मैं तो मतलब अभी गूगल करके देखती नहीं हूँ अपने आप को, करना शुरू कर देना चाहिए कि क्या आ रहा है मेरे बारे में। थैंक यू सो मच सानिया हमसे बात करने के लिए, और बस यही उम्मीद करेंगे कि आपकी जितनी भी फिल्म आए वो ब्लॉकबस्टर हिट हो। थैंक यू सो मच। कैमरामैन इम्तियाज के साथ शिल्पा दास, 24 न्यूज़, 24 मुंबई।